हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं रिव्यू लेकर के आई हूँ दो प्रोडक्ट का, जो कि है हेयर ऑयल। और जो जिन प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये। पहला है बजाज आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल और सेकंड है पैराशूट का कोकोनट ऑयल। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात कर लेते हैं, पहले हम बात करते हैं पैराशूट कोकोनट ऑयल के बारे में। काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि जो हेयर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, इसे बालों में लगाते हैं तो बाल अच्छे हो जाते हैं। कोकोनट ऑयल अच्छा होता है बालों के लिए, बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन जो इस पैकेजिंग के बारे में पैराशूट के नाम से जो बिकता है, मैं इसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ आपकी। पैराशूट कोकोनट ऑयल पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये एक हेयर ऑयल है। इस पर कंपनी ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये एक हेयर ऑयल है। सेकंड, आप देख सकते हैं कि जब कोई भी प्रोडक्ट होता है जो ब्यूटी प्रोडक्ट हो, उन प्रोडक्ट के ऊपर FSSAI का कोई मार्क नहीं होता है, जबकि आप पैराशूट के ऊपर ये मार्क FSSAI का देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये कंपनी खुद बोलती है कि वो एक हेयर ऑयल बेच रहे हैं, बल्कि हम लोग खुद ही इन प्रोडक्ट को सिर में लगाना शुरू कर दे रहे हैं। आई थिंक बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये सिर में नहीं लगाया। आई थिंक सभी ने पैराशूट को सिर में लगाया हुआ है, लगाते हैं और अभी भी बहुत लोग लगा रहे हैं। मेरे हाथ में जो पैकेजिंग गाइज आप देख रहे हो, ये है 100 ml और इसकी प्राइसिंग है 42 rupees। कोकोनट ऑयल जो होता है वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है अगर आप उसे लगाते हैं। लेकिन वो अच्छा तब होता है जब आप प्योर कोकोनट ऑयल लगाते हैं। तो इसमें कोकोनट ऑयल के नाम पर सिर्फ उसकी खुशबू डाली गई है, ये प्योर नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मार्केट जाइए, मार्केट से आप दुकान से कोकोनट ऑयल मांगिए खुला, और उसे किसी डिब्बे में, किसी शीशी में, बॉटल में स्टोर कर लीजिए। आप उसको बालों में लगाइए तो मेरे ख्याल से इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। काम तो करता है, लेकिन सिर्फ मन को समझाने वाली बात है कि हम कोकोनट ऑयल सिर में लगा रहे हैं, ये प्योर नहीं है। अगर आप अच्छे और बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मार्केट से लेकर के आएं और उसे अपने बालों में लगाएं। गाइस, अब बात कर लेते हैं बजाज आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल की। तो देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, ये कहते हैं कि इसके अंदर 6 गुना विटामिन ई है। तो 6 गुना विटामिन ई ये मेंशन किया हुआ इन्होंने, और ये बोलते हैं कि नॉन स्टिकी हेयर ऑयल है। इसके अंदर जो है मस्टर्ड ऑयल इंक्लूडिंग है। तो आप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, आप समझ सकते हो कि वो नॉन स्टिकी तो होता ही नहीं है। जब वो इसके अंदर है तो ये ऑयल नॉन स्टिकी कैसे हो सकता है। लेकिन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इसके अंदर आलमंड की क्वांटिटी है, आलमंड ऑयल की, वो सिर्फ 21% है। तो 21% और 100% में बहुत फ़र्क है। जिस तरीके से इसकी पैकेजिंग की गई है कि बजाज आलमंड ड्रॉप्स, मतलब जैसे बादाम का तेल पूरा इसी के अंदर डाला हुआ है और कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ, तो मुझे समझ में नहीं आया इस तेल का। देखिए गाइस, इतनी बॉटल मेरी खाली हो चुकी है, लेकिन मुझे ये नॉन स्टिकी नहीं लगा, क्योंकि मैंने जब इस ऑयल को मालिश किया अपने सिर में और मैंने हैंड स्प्रे किया तो बहुत चिपचिप थी। मैं पिलो पर लेटी तो वहाँ पर भी ऑयल नज़र आया। नॉन स्टिकी तो ये बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड, मैं आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न और दूर करना चाहूँगी। देखिए, ये इसकी प्राइसिंग जो है 175 है, 300 ml। अब आपको मैं कुछ थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी। आप सोचिए, बादाम जो है वो 300 या 400 रुपए किलो बादाम आता है। अब अगर आप उसको, उसका बादाम का ऑयल निकालते हैं तो मेरे ख्याल से बादाम, 1 किलो बादाम में 40-45% ही बादाम का तेल निकलेगा। बादाम का तेल जो होता है हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। बादाम का तेल, काले तिल का तेल और कोकोनट ऑयल, ये जो होते हैं बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बादाम का और जैतून का तेल ये जो थोड़े हैं महंगे आते हैं, तो इस वजह से इनको कम लोग खरीद पाते हैं। और जो कोकोनट ऑयल होता है वो सबके बजट में आ जाता है, इसलिए लोग उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बालों को अगर मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप मार्केट से लेकर के आइए, और उसी प्रकार अगर आप बादाम का तेल ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, तो आप रोगन बादाम श्री के नाम से जो बिकता है बादाम का तेल, आई थिंक वो 50 ml ही, आप देख रहे हैं कि ये 300 ml है जो कि सिर्फ 175 में है, और वो 50 ml ही मेरे ख्याल से 220 या 230 के आसपास आपको मिलेगा।
तो आप अगर प्रेफर कर सकते हैं तो आप उसे लीजिए, उसे बालों में लगाइए, आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इन दोनों प्रोडक्ट का रिव्यू आपको पसंद आया होगा और इन दोनों प्रोडक्ट में जो कमियां हैं खामियां हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, ताकि इन प्रोडक्ट से जुड़े हुए कुछ डाउट्स जो हैं मैं आपके क्लियर कर पाई हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको किसी और प्रोडक्ट पर रिव्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उन प्रोडक्ट का रिव्यू कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।